What's up guys, welcome back to another reaction video. लक्ष्य चौधरी भाई नई वीडियो लेके आए हैं. टाइटल है छपरी बॉयज ऑफ इंस्टाग्राम फीचरिंग समीर स्टाइलो. ये समीर स्टाइलो तो वही जिसमें थगीश भाई ने बनाई थी वीडियो छपरी मोटिवेशनल स्पीकर मेरी जान करके जो बोलता है मेरी जान ऐसे. हाँ. जो पेटेंट डायलॉग है. हाँ. और लक्ष्य सूरी अमीर सिद्दीकी. तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो लाइक करना वाले और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो. yes, तो किसी को हेट ना फैलाए. ऑलरेडी जो पब्लिक प्लेटफॉर्म जो क्लिप्स है उनके ऊपर टिप्पणी होने वाली. गर्म हो जाएगा इसे ठीक कर दे. इसी आजकल हमारे हीटर वाला काम कर रहा है. 1 2 3 एंड गो. नागपुर की पब्लिक बोले तो तकलीफ. पर भाई मैं तो दिल्ली से हूँ. भाई लोग क्या बोलते दादा, चाय कम पानी ज्यादा है ना दादा. भाई दादा रोना वरोना नहीं है, सीधा मारो ना भैया. हाँ भाई डब्ल्यू एच ओ तोड़ लू. तेरी चिंदी वासमा दी गंदी. भाई नागपुर से मन हटा दिया मेरा इस बंदे ने और इंस्टाग्राम से भी. दिल को हमने पत्थर बनाकर रखा है, अरे याद को हमने जेवर बनाकर रखा है. जिसे तुम लड़की समझते हो वो जादूगरनी है मेरा भाई. ना जाने कितनों को कबूतर बनाकर रखा है. हाँ ब्रो जल्दी जल्दी लड़की बेवफा है पे 4 शायरियां लिख देता हूँ. उसके बाद सारे टॉक्सिक आशिकों से वैलिडेशन भी तो लेना है. ये बंदा जो लड़कियों पे इतना ज्ञान पेल रहा है ना, 1 साल पहले इसकी वीडियो वायरल हुई थी जिसमें अपनी बंदी को पीट रहा था. और 99% लोग जो लड़कियों के ऊपर ज्ञान पेलते हैं, लड़कियां बेवफा है, मुझे धोखा दे गई, बदल गई, उसने तो कबूतर बना दिया, वो ऐसे ही होते हैं. डिलीट करते यार पोस्ट, वो नहीं तो क्या है, तकलीफ हो जाएंगी. So choose your idols wisely. वाइजली इनके चाहने वाले तो लाखों में है मगर दुश्मन भी हजारों में है. देख भाई तेरी दोनों गलत फहमी दूर कर देता हूँ. तेरे चाहने वाले सिर्फ वही हैं जो शाम को 5 बजे तेरी पान की रेडी पे तेरे हाथ का पान खाते हैं. और रही बात दुश्मनों की, भंडारों में खा के 10 लगने के बाद टटियों की गोली भी उधार मांग के खाने वाले ना दुश्मनों की बात करते हुए अच्छे भाई. अगर दोस्ती की हो तो हम अपने नाम की परवाह नहीं करते. अरे लगी हो जब जान की बाजी तो हम अंजाम की परवाह नहीं करते. दिवाली पे बुलेट बम फटने से पहले जिनके कच्चे फट जाते हैं वो जान की परवाह ना करने की बातें कर रहे हैं. इसके जैसे लोंडे उस रेयर कैटेगरी में आते हैं जिनके लिए जिम में भी 2.5 किलो वाले डंबल रखे जाते हैं. जब ये 3 फीट वाले स्विमिंग पूल में कूदते हैं तो उसके लिए भी स्पेशली लाइफ गार्ड बिठाए जाते हैं. और यहाँ पे बता रहे हैं जान की परवाह ना करना. 3 फुट वाला स्विमिंग पूल. भाई तुझे थोड़ी थोड़ी भी गलती मिल रही है क्योंकि जैसी तेरी हरकतें हैं ना लड़कियों के साथ उस हिसाब से तुझे इंस्टा पे नहीं बल्कि मनचले से सावधान वाले पोस्टर पे होना चाहिए. सोचो तुम्हारे घर पे गेस्ट आए और इमरजेंसी में तुम पड़ोसी के घर चाय की पत्ती लेने गई हो और फिर अगले ही दिन शाम को उस पड़ोसी का लड़का तुम्हें व्हाट्सएप पे अपनी ऐसी वीडियो भेज रहा है. अब तुम बताओ तुम उसको हार्ट इमोजी भेजोगी या उसका नंबर साइबर सेल में भेजोगी. अच्छा हुआ इस बागड़ बिल्ले की वीडियो है, मुझे रात में नहीं दिखी. अवलती पब्लिक नाम में चंगार रे, बिजली का तार रे. हाँ चल चल हो गए ना, अभी जल्दी जल्दी 2 पान लगा, उधर लाला जी वेट कर रहे हैं. कौन कहता है मेरा भाई कि वक्त के साथ रिश्ते नहीं बदलते. अरे बचपन में जो चांद हमारा चंदा मामा हुआ करता था आज जवानी में हमारा महबूब बनकर बैठा है. वाह भाई वाह, आपका रिश्तों का नॉलेज तो कमाल है भाई. हमें और दुश्मन चाहिए क्योंकि पुराने दुश्मन तो अब हमारे फैन बन चुके. कौन मानता है दुश्मन की गली मोहल्लों के नुक्कड़ पे अपनी गुद्दी पिटवाने के बाद 2022 में लोंडे या तो इंस्टाग्राम पे ऐसी रील डाल रहे हैं या फिर फेसबुक पर मंत्री जी के आवास पर उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ वाली पोस्ट. और बात तो ये है कि लोग इनसे भी इंस्पिरेशन ले रहे हैं. इंस्पिरेशन के लिए बस एल्गोरिथम मेहरबान है इन पे. उसके बाद ना ही अपने करियर को जान रहे होंगे और ना तुम इनको. ने बोला दुश्मनी महंगी पड़ेगी मेरा भाई. हम तो सिगरेट भी सस्ती नहीं पीते. अब बीड़ी बाज तेरे जैसे उधार के लेके पीते हैं और दुश्मन ऐसा कर रहे हैं जैसे एस्कोबार का राइट हैंड रहा हो. ये 22-24 ग्राम चरस की तस्करी में चुत्तड़ पिटते नजर आते हैं इन जैसे लोंडो के थाने में. कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना मेरा भाई जिन्होंने कहा मेरा भाई कौन पाएगा. हाँ तो ब्रो तेरे से तो सच में नहीं हो पा रहा. भाई सैलून पे बाल कटवाने के बाद खुश होते हुए बहुत लोगों को देखा है मैंने, पर कटवाने के बाद किसी को इतना खुश होते हुए पहली बार देख रहा हूं. इतना खर्चा करवाने के बाद भी वैसे का वैसे ही दिख रहा है. 1 मिनट में कभी किसी की जिंदगी नहीं बदल सकती मेरा भाई, लेकिन 1 मिनट में लिया गया फैसला
आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रख देता है। Okay. तो तू भी इस एक मिनट में एक फैसला ले ले कि तू सोशल मीडिया से बहुत दूर चला जाएगा। इससे तेरी जिंदगी बदले ना बदले पर हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा बदल जाएगी। अब तुम्हें शायद पता हो या ना पता हो पर अगर मुंबई में किसी भी छपरी के ऊपर इंस्टाग्राम या यूट्यूब की एल्गोरिथम मेहरबान होती है तो उससे सबसे पहले दोस्ती करता है आमिर सिद्दीकी, क्योंकि छपरी छपरी सोतेले भाई, सेम वाइब सेम पिंच, और अपने डूबते करियर में इसको पैसे भी तो कमाने हैं उनसे फेक ऐप के प्रमोशन करा के। डायरेक्टली ओपन बात करो ना कि ये इलीगल काम है और मैं ये वाले हिसाब वाला काम की बात कर रहा हूँ। मैं आप पकड़ के चल सकते हो, लेकिन सर आपको मैं बताता हूँ नीलेश ने जो कोर्ट किया, अगर ये काम कर रहे भी है अपन, अगर मैं करूंगा भी तो ये अमाउंट पे नहीं करूंगा जो अमाउंट आपने बोला है। कितना कितना लेंगे आप बताइए? 35 लाख रुपए। कितने क्रिएटर करेंगे? 20। वो बात अलग है कि इस ब्रांड ने इसको 35 लाख देने की जगह 35 जूत मारे थे। ये दोनों ही भाई इस लड़की के साथ सेम लबी डबी वाली वीडियोस बनाते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये है कौन से की। इन दोनों ने बचपन में अपनी माँ का कहा दोनों भाई मिल बांट के खा लो ज्यादा सीरियसली ले लिया जवानी में। भैया मैं स्कूल से आ गई। यस, ये 27 वर्षीय अधेड़ उम्र की औरत एकदम फिट बैठ रही है स्कूल गर्ल वाले रोल में। हाँ, हमें तो पता ही नहीं चला इसकी असली उम्र। ऐसा करो ना, इसको गोद में लेके नवजात शिशु वाला भी रोल इससे ही करवा लो। आज टीचर ने सिखाया कि गीता और कुरान को तो कभी लड़ते नहीं देखा, लेकिन जिनको इनके लिए लड़ते देखा उनको कभी पढ़ते नहीं देखा। भाई 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 हमें पता है तू जितना ज्ञानी जितना सुलझा हुआ जितना सेकुलर इंस्टाग्राम पे बनता है ना, सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट में पता है हमें कौन अनपढ़ खड़ा था, और आज तक वो कॉल रिकॉर्डिंग मेरे कानों में ही गूंजती है कि वो कैरी है। तो भाई कोई भगवान नहीं है, कैरी मिनाटी है, वो भी एक इन्फ्लुएंसर ही है, बट इसकी बहन की अभी अपना डिस्क आ रहा है, इसको डिस्क करेंगे अपन। आमिर भाई सुबह सुबह करे माँ बहन की गालियों से गंदा, रात को करे सोशल मीडिया पर सेकुलर बनने का धंधा, और सच में मुंबई लोगों को तो सैल्यूट। राइमिंग अकेले सिंगल हैंडेडली इतने सारे छपरियों को बर्दाश्त कर रहे हैं। मेरे पास एक बहुत अच्छी न्यूज मेरे इंस्टाग्राम फैमिली के लिए, अब आप डेली आईफोन जीत सकते हो। अच्छा, खुद ये पिछले 2.5 साल से वही आईफोन 11 चला रहा है और इंस्टाग्राम फैमिली को रोज नया आईफोन जिताने की बातें। पहले एक नया आईफोन उसको दिला दे अपने भाई फैजल को, वो लोनावला से चुराया हुआ आईफोन चला रहे लोग तुड़वा के। भाई अरे फैजल भाई, छी 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 छी, यो क्या देख लियो उधर, तुम्हारा भाई रोज इंस्टाग्राम वालों को एक एक आईफोन गिव अवे करने की बात कर रहा है और इधर तुम बकरे के साथ ये सब। आमिर एटलीस्ट एक आईफोन के पैसों से अपने भाई की ठरकी मिटवा दे। जिन्हें मैं मंजिल तक लेकर आया हूँ आजकल वही लोग मुझे रास्ता बता रहे हैं। अच्छा, अब मैं समझ गया कि तुम दोनों भाइयों ने उस पान छाप से क्यों दोस्ती करी। हमें डुबाने की कोशिश उन लोगों ने करे मेरी जान, जिनको तैरना हमने सिखाए। जिन्हें मैं मंजिल तक लेकर आया हूँ आजकल वही लोग मुझे रास्ता बता रहे हैं। अरे भाई बंदी अलग नहीं बट एटलीस्ट कहावत का बेस तो अलग अलग बना लो, दूसरों की चुरा रहे हो। दोनों भाई शुरू से ही क्रेडिट चोर हैं, और इन दोनों भाइयों को दूसरों का कंटेंट कॉपी करने का क्या इल्जाम लगाऊं मैं? ये दोनों तो एक दूसरे का ही कंटेंट कॉपी पेस्ट करते रहते हैं। भाई अब तो तेरी शादी हो गई, अब तो तेरे माँ बाप को छोड़ देगा ना? नहीं भाई, माँ और बीवी दोनों को हमेशा बेपना मोहब्बत और इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि एक हमें दुनिया में लाती है, इसके बारे में दुनिया छोड़ कर आती है। अरे वाह भाई, अब तो तुम लोग की शादी हो गई, अब तो तू अपने माँ बाप को छोड़ देगा ना? नहीं भाई, दोनों को बेपना मोहब्बत और इज्जत देनी चाहिए। दोनों भाइयों के अंदर माँ बाप को छोड़ने की अलग ही लेवल की डेस्परेशन है। अगर रशिया से MBBS कराने के बाद भी औलाद ऐसे माँ बाप को छोड़ने की बात करती हो हर साल, तो भैया मैं तो अनाथ बाप ही ठीक हूँ, नहीं होने चाहिए बच्चे, मुझे तो आज ही लगता है मेनोपॉज। ये दोनों भाई तो इतना कॉपी करते हैं, इतना कॉपी करते हैं कि स्कूल वालों ने कभी इनके कोर्स में बुक्स रखी नहीं, बस कॉपी कॉपी थी। आई नो ये वाला लेम था, पर कितना भी लेम हो आमिर सिद्दीकी की वीडियो से तो बढ़िया ही था। अब तो मैं मिलाता हूँ इंस्टाग्राम के सबसे हॉर्नी डेस्परेट छपरी से। जैसे कि तुम लोगों को पता ही है कि हर इंसान को उसकी जिंदगी में दो इंसान जरूर पसंद करते हैं, एक तो वो खुद और दूसरा उसके घर वाले। लेकिन इसकी जिंदगी में इसको पसंद करने वाला बस ये अकेला ही है, इसके अलावा कोई इसको पसंद नहीं करता। इसके घर वालों ने भी इससे दूरियां बना रखी हैं। वैसे अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि इसके बाद सिर्फ डेस्परेट पे डेस्परेट रील्स आएगी, कोई भी कॉन्टेंट नहीं आएगा। बस कर पगले, अब क्या कूची के चक्कर में उम्र कैद कराएगा खुद को। और सबसे शर्म की बात तो ये है कि इसका नाम भी लक्ष्य ही है। मैं जिंदगी में कभी इतना शर्म से पानी पानी नहीं हुआ। खैर, आपकी हालत ऐसी होती है जब आप बाप के पैसे के सिर्फ प्रोटीन के डिब्बे पिए और माँ की FD तुड़वा के एक आईफोन खरीद लें, उसके बाद धंधे के रूप में करने के लिए आपके पास सिर्फ ओनली फैंस और लड़कीबाजी बचती है। हाँ भाई, लग भी रहा है तू वाइब्रेटर सा। नहीं, टांगे कप कप आने से क्या मतलब है तेरा? उनकी पीठ पर बैठ के उनको स्कोर्ट्स करवाता है या फिर रात को पागल आशिकों की तरह नस काटने की धमकी देके उन्हें एंग्जाइटी देता है? क्योंकि और तीसरा रीजन तो मुझे नहीं लगा।
नहीं आसान है तुझको पाना। अबे जी स्पोर्ट है 1980 का ऐसा ट्रैक्टर में हाथी मारने की जगह नहीं है, हाथ ऐसे डालना जैसे गाय भैंस हो। इन जैसे लोंडो को अपनी ओवर डेस्परेशन की वजह से लड़कियां घास तो डालती नहीं है, फिर जिंदगी में लड़की के नाम तो उसका बाल तक भी ना होने पे ये कामा सूत्रा से लड़कियों के बारे में पढ़ते हैं और फिर वैसे ही लड़की को जज करके इंस्टाग्राम पे ऐसी रील वीडियो पोस्ट करते हैं। भाई इन हरकतों के फ्यूचर में भी लड़की मिलने का कोई स्कोप नहीं है। इसमें मैं क्या बोलूं, डांस ये लग नहीं रहा, फनी के नाम पे इसमें इसकी बस शकल है, बाकी क्या था ये भाई। तेरे इस तरह के शौक तो इंडिया में पूरे होने वाले हैं नहीं, उसके लिए तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा, उतने पैसे तेरा पिताजी तुझे देगा नहीं, और ये सब हरकतें करके तू शायद खुद को ग्रीक गॉड समझता है, ग्रेट गधे की। खैर छोड़, ये बता कितनी लड़कियों से ब्लॉक हुआ। अब मुझे सब समझ आ रहा है कि तेरे घर वालों ने भी क्यों तुझे बेदखल कर रखा है। अरे तेरे अराउंड तो तेरी मम्मी भी खुद को सेफ नहीं फील करती होगी, लेकिन जेन जी लड़कियों को ये बड़ा पसंद आता है क्योंकि उनको तो पढ़ाई करने की उम्र में डैडी से स्पॉइल होने के सपने है ना। उन्हें तो लक्ष्य सूरी के 45 फिल्टर वाले लुक पे ब्राउन बॉय कमेंट करना है, अगर इससे आधे फिल्टर भी लक्ष्य चौधरी अपनी थूथ पे मार लेना तो वो भी क्वीन एलिजाबेथ का सगा पड़ पाएगा। सो गाइस आज की वीडियो में इतनी बीमारी में तुमको दे पाऊंगा। इस वीडियो में देखो एक जो लास्ट का था स्पेशली, मैं कहूँ कुछ क्लिप्स तो बहुत ही वल्गर थी, मतलब हाँ। कोई सेंस नहीं था उसे, वो बहुत ही मतलब पब्लिकली वो ज्यादा थोड़ा सा कई लोग कर रहे हैं, वो कई क्रिएटर्स कर रहे हैं, वो थोड़ा सा ना वो एक ऐसा लगता है लाइन क्रॉस करने वाला, मैं हाँ। सीधी बात करूँगा, थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि थोड़ा नहीं पता नहीं क्या था वो सीधी बात पता नहीं क्या था और बिल्कुल शर्मिंदा है भाई की। भाई ने कहा ना कि ये मैं पहली बार डिसअपॉइंट हुआ हूँ कि मैं शर्म से कि भाई का नाम भी लग सही है उस वजह से। लेकिन देखो एक चीज है कि थोड़े से क्रिएटर को ये समझे थोड़ी सी वो चीज़ कि मेरे को कुछ वो सही नहीं लगी मेरे को वो वाली चीज़ें, लेकिन बाकी एंटरटेनमेंट से भरपूर थी और जो टिप्पणी करता है ना भाई हर एक क्लिप के ऊपर लक्ष्य भाई मजेदार। और वो वाली कॉल रिकॉर्डिंग का मेरे को पता नहीं था, वो कॉल रिकॉर्डिंग लगाई थी वो है ना कि वो इतना चार्ज इलीगल ऐप हर एक चीज वो वाली लगाई थी। बाकी इसमें एक तो ए मेरी जान पे तो थकेश भाई ने बनाई थी वही कि क्या कहता कि मुंबई वालों को भी यार हैट्स ऑफ यार कितने सारे छपरी झेलते हो एक साथ भाई साहब। लेकिन तूने वो चीज देखी वो एक ही लाइन वो वाला वो भाई जो दोनों कॉपी कर रहे थे वाले। बाकी भाई देखो लक्ष्य भाई ने जो कुछ कुछ चीजें बोली बिल्कुल सही थी और ये चीजें आइडल मत मान, अगर आपको वीडियो देखनी है एंटरटेनमेंट पर्पस से देख लिया करो, कभी भी किसी को एक आइडल वाला दर्जा मत दिया करो कि भैया यही है सब कुछ, ये तो सही ज्ञान देता है, ज्ञान कोई नहीं देता, ज्ञान इंसान तजुर्बे से और लाइफ एक्सपीरियंस से खुद ही हासिल करता है। म्यूजिक लगा के वो लाइंस बोल रहे हैं और 30 सेकंड में आपको कोई ज्ञान नहीं दे सकता, ज्ञान दे भी सकता तो एक लेवल आपको खुद ही पता लग गया कि क्या चीज़। बाकी इन वीडियो को सिर्फ एंटरटेनमेंट तक ही लिया करो, इनको वो मत लिया करो कि हाँ ओ भाई साहब कि इसने कहा वो मुझे छोड़ के चली गई, वो शायरी सिर्फ एक अपने आपको सांत्वना देने तक रख लो, ये नहीं कि हाँ मैंने ये कर दिया उसने मुझे वो ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, उसको उस तरह सीरियस लो कि पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, आईएएस वाइस बनने की तैयारी करो जो भी आपको बनना है, ये नहीं कि हाँ चार लाइन सुनी और बस अब जिंदगी तहस नहस हो गई, वो चीज नहीं होता। बाकी फनी वीडियो थी, एंटरटेनमेंट से भरपूर, आपको कैसे लगी जरूर बताना, मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।